योगी की यूपी की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने से लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक खत्म नहीं हो पाया है, बल्कि अब तो ये और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लुलु मॉल की मांग उठ रही है, वहीं अब तो वहां हनुमान चालीसा का भी पाठ करने की कोशिश की गई है। जबकि राज्य सरकार चाहती है कि लुलु मॉल को लेकर उसके उद्घाटन के दो दिन बाद से ही जिस तरह से उसको लेकर विवाद शुरू हुआ है उसका अंत हो जाए। योगी सरकार अब इस मामले को और ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है, लेकिन फिर भी मामला और तेजी से बढ़ता साथ ही और ज्यादा बिगड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही सामने आ रही है, जो योगी को कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि विवाद को हुए 3 से 4 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली ही है। पुलिस तो अब तक नमाज पढ़ने वालों पर भी शिकंजा नहीं कस पाई है, जिससे योगी काफी नाराज हैं और सख्त मिजाज योगी के यूपी में काम को लेकर जब इतनी कोताही देखी गई तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए तत्काल DCP साउथ जोन गोपाल चौधरी का तबादला कर दिया। उनकी जगह सुभाष चंद्र शाके को DCP नियुक्त किया गया है, जबकि चौधरी को क्राइम ब्रांच भेज दिया गया है। साथ ही गोल्ड सिटी के SHO को भी पुलिस लाइन भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अजय प्रताप सिंह को स्टेशन प्रभारी पद से हटाकर शैलेंद्र गिरी को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अब जिस मॉल को लेकर शुरू में ही इतना विवाद हो गया है, तो फिलहाल इस मॉल की सिक्योरिटी, यहां आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर DK ठाकुर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और फिलहाल उन्होंने लुलु मॉल की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस लुलु मॉल के बाहर ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है और हर तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक लुलु मॉल की तरफ से जाने वाले प्रमुख चौराहों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे उड़ाए जाएंगे। दरअसल ये एक्शन शनिवार के बाद और तेज हो गया, जब हिंदू संगठनों ने शनिवार दोपहर को मॉल में नमाज पढ़ी जाने के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन लोगों ने मॉल के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पुलिस ने हालांकि पाठ करने वालों को हिरासत में ले लिया और बस में बैठाकर वहां से हटाया। इस बीच शाम को भी दो युवक मॉल के अंदर पहुंचे थे और उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया था और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जिस जगह ये दोनों युवक पाठ कर रहे थे उसके पीछे ही चेतावनी लगी थी कि यहाँ किसी भी धार्मिक प्रार्थना पर रोक है, फिर भी पाठ करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। शनिवार से पहले भी जब इस तरह की कोशिश की गई थी तो पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया था। कुल मिलाकर लुलु मॉल अब विवादित मॉल हो गया है, जिसके शुरू होते ही इससे इसके अंदर नमाज पढ़े जाने का विवाद जुड़ा। उसके बाद से हर रोज एक नया विवाद इस मॉल से जुड़ता जा रहा है। ऐसे में इस विवाद को अभी यहाँ थाम पाना तो मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, योगी को ये विवाद खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखते हैं ये विवाद कब और कहाँ जाकर थमता है। वैसे आपका लुलु मॉल से दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हर एक विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें बताएं कि क्या आप मॉल से जुड़े इन विवादों को तरजीह देते हैं या फिर आपके लिए इस तरह के विवाद कोई मायने नहीं रखते। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।